मोबाइल यूनियन का अध्यक्ष हूँ, मोटर ट्रांसपोर्ट यूनियन का यहाँ का अध्यक्ष हूँ। आज ज्ञापन दिया गया एक कमरा नेहरू ट्रस्ट की कथित जमीन है, जिसमें हम आज करीब लगभग 45 वर्षों से यहाँ पे हमारे मिस्त्री सब काम करते हैं। 2011 में हमारे पास नोटिस आई कि साहब ये जमीन कब्जा होगी। हमने कहा कौन करेगा, बोले कमला नेहरू ट्रस्ट। तो मैं तत्कालीन DM अमृता सोनी जी से मिला, उन्होंने इसकी जांच कराई तो इसका पट्टा फर्जी पाया गया, इसकी खतौनी फर्जी पाई गई, सब कुछ फर्जी पाया गया। उसके बाद ये भागते रहे, इन्होंने कहीं जवाब दावा नहीं लगाया, कहीं पट्टा नहीं दिखाया। हाईकोर्ट से इनके खिलाफ आदेश हुआ, यहाँ के DM ने, यहाँ के SDM ने, यहाँ के तहसील राजस्व ने, सब ने इनके खिलाफ लिखा कि ये गलत पट्टा हुआ, पट्टा गलत है, ये जमीन कैलाश चंद्र अग्रवाल की थी, ये केवल एक 1100 कुछ रुपए ही महीने के 35 के किराएदार थे और ये कुछ नहीं था। ये दिल्ली में बैठ करके फ्री होल्ड करा ले गए। हम लोग यहाँ लगभग 45 से 50 वर्षों से काम कर रहे हैं और आज ये जमीन, उसके बाद फिर एग्रीमेंट के द्वारा कोई पहले कोई लखनऊ के दान खरीद रहे थे, उसके बाद भी इसको बाल कुमार पटेल जी ने खरीदी, अब मालूम हुआ कोई तीसरे यहाँ पे ब्रजेश सिंह जी ने खरीदी। तो मेरा ये कहना है अभी तक सारे कागज गलत थे, लेकिन आज कैसे एग्रीमेंट हो गया कि निबंधक बयान दे रहा कि कागज सही है, कौन से पेपर से दिखाए? इन्होंने तो पट्टा अपना हाईकोर्ट की PIL में नहीं दिखाया, जहाँ से आदेश हुआ कि DM रायबरेली इसकी 90 दिन में जांच करके दें, और आज तक जांच क्यों नहीं हुई? आपने कमला नेहरू ट्रस्ट का बात कही है, ये किसका ट्रस्ट है? ये इसके कभी अध्यक्ष थे विक्रम कौल, ये शीरा कौल जी के लड़के थे। हम लोग जान ही नहीं पाए कब ये ट्रस्ट बना। हम लोग तो 40-45 सालों से यहाँ काम कर रहे थे, हमको पता ही नहीं था। ये तो 2011 में हमको मालूम हुआ, फिर मालूम हुआ कि 2003 में ये जमीन फ्री होल्ड हुई। कहाँ पर आए हैं ये सिविल लाइन चौराहे से आंगन रेस्टोरेंट तक इस जमीन को कमला नेहरू ट्रस्ट ने अपनी दर्शाई है।